हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँच जाए। बात करेंगे रेलवे सेक्टर के शेयर RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड की, जिसके अंदर आज फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कल के दिन में तेजी थी क्योंकि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला था जिसकी वजह से स्टॉक ने थोड़ा सा गेन जरूर किया था, लेकिन आज के दिन में फिर से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। अब सपोर्ट लेवल्स क्या हैं, क्या खरीदारी करने का एक मौका है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि देखिए परफॉर्मेंस जो है रेलवे सेक्टर के शेयर्स की वो काफ़ी उम्दा रही है, जो कि आने वाले दिनों में स्टॉक को ऑलमोस्ट 200 क्रॉस कराती भी नज़र आ सकती है। अब RVNL जैसे शेयर्स में अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न जो है हमेशा फॉलो किया है, एकदम भागे हैं, फिर कॉन्सोलिडेट किया है अच्छा लंबा टाइम, उसके बाद फिर से तेज़ी दिखाई है इन स्टॉक्स ने। अगर आज की हम बात करें तो 169.30 रुपये पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1.65 रुपये की गिरावट है ऑलमोस्ट 1% के आसपास की। 5 दिन की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पर करेक्शन दिखाने के बाद कल के दिन में एक पॉजिटिव माहौल बनाया था क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला था, जिसके बाद आज फिर से हमें स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इस वीक के अंदर अगर हम बात करें तो 12 सितंबर के आसपास स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक नया 52 वीक हाई लगाया था ऑलमोस्ट 199 का, जो कि ऑलमोस्ट मेरा टारगेट भी था कि 200 के आसपास तक के लेवल्स जो है RVNL हमें दिखा सकता है आफ्टर G20 समिट और ये सारी प्रोसेस हमें देखने को मिली। एक महीने की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 36% के आसपास के रिटर्न जो है बीते एक महीने के अंदर रेल विकास निगम लिमिटेड ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। 6 महीने की बात करें तो 170% के आसपास के रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, जबकि 1 जनवरी से लेकर अभी तक ओवरऑल रिटर्न्स की बात करें तो 9 महीने के अंदर स्टॉक ने 146% के आसपास के रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं। 1 साल की अगर हम बात करें तो 398% के आसपास के रिटर्न्स हैं 1 साल के अंदर अगर देखें तो। 5 साल की बात करें तो 757% और मैक्सिमम रिटर्न्स भी देखें तो कहीं ना कहीं 757% के रिटर्न्स हैं, 750% के आसपास के हैं। अब G20 समिट के अंदर ये फैसला एक तरीके से डील होती हुई देखने को मिली कि यूरोप के साथ में जो है कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात की गई है, यानी कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा यूरोप और इंडिया के बीच में, जिसकी वजह से रेलवे के थ्रू जो है हम लोग यूरोप के देशों में भी जा पाएंगे। और इस कॉरिडोर को बनाने में एक बहुत बड़ा अहम हाथ होगा किसका, RVNL का, IRFC का, रेलटेल का, इरकॉन इंटरनेशनल का और साथ ही साथ में IRCTC का। तो एक बड़ा इम्पैक्ट जो है हमें रेलवे सेक्टर के शेयर्स पे G20 समिट के बाद देखने को मिल भी चुका है। RSI लेवल यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हाई होने की वजह से भी गिरावट कंसोलिडेशन नॉर्मली है, लेकिन साथ में शॉर्ट टर्म वाले भी प्रॉफिट बुकिंग अपनी करते जा रहे हैं। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम जो है अभी तक स्टॉक में ट्रेड हो चुका है, 1.82 करोड़ के आसपास का है। वहीं अगर मैं बाइंग सेलिंग प्रेशर की बात करूँ तो 2,96,000 शेयर्स जो है बाइंग ऑर्डर में है, जबकि 9,91,000 शेयर्स जो है वो सेलिंग ऑर्डर में देखने को मिले, ऑलमोस्ट 5 गुना जो है यहाँ पे आप लोगों को स्टॉक के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू अगर मैं बाइंग प्रेशर बात करूँ तो। कहीं ना कहीं थोड़ी सी करेक्शन अभी और आ सकती है। सबसे पहले अगर मैं सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करूँ तो देखिए रेजिस्टेंस 174, 177, 180, सपोर्ट लेवल्स ऑलमोस्ट 160 के आसपास का है और ये रेंज मैंने बताई भी थी कि 155 की रेंज में अगर जाता है तो बिल्कुल फ्रेश एंट्री के चांसेस बनेंगे। हालांकि 160 की रेंज में भी आप लोग अपनी बाइंग कर सकते हैं अगर फ्रेश एंट्री अभी तक नहीं कर पाए हैं। वॉल्यूम में बड़ी गिरावट है आज के दिन में भी, कल के दिन में 6 करोड़ का वॉल्यूम था, वीकली एवरेज 15 करोड़ के आसपास तक पहुंच गया था क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम जो है बहुत फास्ट था G20 समिट के बाद। मंथली एवरेज ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास का है और अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और साथ में ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं और साथ में डेली का आप 3,000 से 4,000 तक का प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैं डेली 1 से 2 डेमो कॉल देता हूं। इस 1 से 2 डेमो कॉल से आप प्रॉफिट प्लस लर्निंग दोनों ही कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए फार्मा ओवरवैल्यूड सेक्टर नाउ सेज धर्मेश कांत, और उसके बाद ही यहाँ पे हमें एक स्ट्रैटेजी देखने को मिली थी कि 12th यहाँ पे IRFC जो है एक अच्छा हाई लगाने के बाद उसमें RVNL की भी हमें तेज़ी देखने को मिली थी क्योंकि रिसेंटली जो है 174 करोड़ के आसपास का एक रेलवे प्रोजेक्ट हमें कंपनी को मिलता नज़र आया था। 82% कम्युनिटी जो है वो बाय की सलाह देती नज़र आ रही है, 16% सेल एंड 2% होल्ड के साथ में। 160 के लेवल पे अगर स्टॉक आता तो एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा से RVNL के अंदर क्रिएट हो सकती है और 200 के आसपास के टारगेट्स हमें आने वाले महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं।